हेलो एवरीवन, और आज हम बात करने वाले एक ऐसी कंपनी की जो 21st सेंचुरी में धूम मचा दी है। वो कंपनी जिसने रेडियो, वॉकमैन, प्लेस्टेशन, 3D गेमिंग को अलग ही हाइट्स पर ले जा रखा है। आज की तारीख में वो कंपनी हमारे प्रोडक्ट लिस्ट में हमेशा ऑप्शंस में सबसे फर्स्ट रही है। वो कंपनी है सोनी। सोनी जो हमारे लिए म्यूजिक रिलेटेड प्रोडक्ट्स के वक्त सबसे पहले लिस्ट में होता है। बट क्या था जो सोनी को इतने बड़े पॉइंट पर लेकर गया? क्या थी उसकी स्टोरी? आइए जानते हैं। सोनी की स्टोरी इतनी मस्त है कि वो उसका एक खुद का अलग वीडियो डिजर्व करती है। सितंबर 1945 में एक छोटा वर्कशॉप बनाया गया जहां सोनी के प्रोडक्ट्स बनाने स्टार्ट हुए। वो वर्कशॉप वॉर में डैमेज हुए शॉप्स में बनाया गया था। वर्कशॉप चलाने की जिम्मेदारी एक शख्स ने ली थी, वो थे मसूरा इबुका। एक महीने बाद इबुका और उनके फ्रेंड्स ने एक इंस्टीट्यूट खड़ी की, टोक्यो टेलीकम्युनिकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट। स्टार्टिंग में उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि वो लोग क्या कर रहे थे एंड कैसे करने वाले हैं। उनकी बेसिक सैलरी कंपनी की सेविंग से ही आ रही थी। उस वक्त इबुका के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी सामने खड़ी थी। वॉर के वक्त जैपनीज मिलिट्री पुलिस ने जैपनीज सिटीजन्स के रेडियो मॉडिफाई करने चाहे कि वो वॉर के वक्त सतर्क रह सके। इबुका को ये अपॉर्चुनिटी दिखी और इसी इम्प्लीमेंट करना चाहा। इबुका ने अपने वर्कशॉप्स में ऐसे रेडियो को मॉडिफाई किया, वो रेडियोस को ऐसे डेवलप किया कि वहाँ के लोग कोई भी रेडियो फ्रिक्वेंसी पकड़ सके और अपने मनपसंद चैनल सुन सके। उनका प्रोडक्ट इतना फेमस हुआ कि उनके वर्कशॉप्स और उनकी कहानी जैपनीज के छोटे से जर्नल और मैगजीन में उनकी खबर आई। ये न्यूज़ पढ़ते ही जो पहला इंसान अट्रैक्ट हुआ वो थे एकियो मोरिटा। एकियो मोरिटा एक्चुअल में इबुका से एक साल पहले मिले थे जब इबुका नेवी में लेफ्टिनेंट की सर्विस पर थे। एकियो और इबुका ने साथ में वर्कशॉप में काम करना चाहा। उनकी नई कंपनी एस्टेब्लिश हुई, उसका नाम था सोनी। पुराने रेडियोस को रिपेयर करके उनका वर्कशॉप्स आगे बढ़ रहा था और उनकी अच्छी खासी कमाई भी हो रही थी। उन्होंने नोटिस किया कि लोगों को चावल उबालने में मुश्किल हो रही थी। उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक इलेक्ट्रिक राइस कुकर मैन्युफैक्चर करेंगे अपनी वर्कशॉप में। टेक्निकली ये सोनी का फर्स्ट प्रोडक्ट था। एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोड को वुडन के बेस पर लगाकर एक टीन का शेप दिया गया, बट उसका रिजल्ट मनचाहा नहीं आया क्योंकि कभी वो ज़्यादा उबले हुए या कभी कम उबले हुए चावल बनाता था। सोनी का सबसे फर्स्ट प्रोडक्ट फेल हुआ। सोनी का नेक्स्ट प्रोडक्ट था इलेक्ट्रिक कुशन जो बेडशीट्स को गर्म रखने का काम करता था, बट उसकी वजह से सिर्फ कंप्लेंट्स ही आ रही थी। सोनी का नेक्स्ट प्रोडक्ट भी फेल हो गया। सोनी को एक हिट प्रोडक्ट की ज़रूरत थी वरना जल्दी उनकी कंपनी बंद हो सकती। हेलो एवरीवन और आज हम बात करने वाले एक ऐसी कंपनी की जो 21st सेंचुरी में धूम मचा दी है। वो कंपनी जिसने रेडियो, वॉकमैन, प्लेस्टेशन, 3D गेमिंग को अलग ही हाइट्स पर ले जा रखा है। आज की तारीख में वो कंपनी हमारे प्रोडक्ट लिस्ट में हमेशा ऑप्शंस में सबसे फर्स्ट रही है। वो कंपनी है सोनी। सोनी जो हमारे लिए म्यूजिक रिलेटेड प्रोडक्ट्स के वक्त सबसे पहले लिस्ट में होता है। बट क्या था जो सोनी को इतने बड़े पॉइंट पर लेकर गया? क्या थी उसकी स्टोरी? आइए जानते हैं। सोनी की स्टोरी इतनी मस्त है कि वो उसका एक खुद का अलग वीडियो डिजर्व करती है। सितंबर 1945 में एक छोटा वर्कशॉप बनाया गया जहाँ सोनी के प्रोडक्ट्स बनाने स्टार्ट हुए। वो वर्कशॉप वॉर में डैमेज हुए शॉप्स में बनाया गया था। वर्कशॉप चलाने की जिम्मेदारी एक शख्स ने ली थी, वो थे मसूरा इबुका। एक महीने बाद इबुका और उनके फ्रेंड्स ने एक इंस्टीट्यूट खड़ी की, टोक्यो टेलीकम्युनिकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट। स्टार्टिंग में उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि वो लोग क्या कर रहे थे एंड कैसे करने वाले हैं। उनकी बेसिक सैलरी कंपनी की सेविंग से ही आ रही थी। उस वक्त इबुका के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी सामने खड़ी थी। वॉर के वक्त जैपनीज मिलिट्री पुलिस ने जैपनीज सिटीजन्स के रेडियो मॉडिफाई करने चाहे कि वो वॉर के वक्त सतर्क रह सके। इबुका को ये अपॉर्चुनिटी दिखी और इसी इम्प्लीमेंट करना चाहा। इबुका ने अपने वर्कशॉप्स में ऐसे रेडियो को मॉडिफाई किया, वो रेडियोस को ऐसे डेवलप किया कि वहाँ के लोग कोई भी रेडियो फ्रिक्वेंसी पकड़ सके और अपने मनपसंद चैनल सुन सके। उनका प्रोडक्ट इतना फेमस हुआ कि उनके वर्कशॉप्स और उनकी कहानी जैपनीज के छोटे से जर्नल और मैगजीन में उनकी खबर आई।
ये न्यूज़ पढ़ते ही जो पहला इंसान अट्रैक्ट हुआ वो थे एकियो मोरिटा। एकियो मोरिटा एक्चुअल में इबुका से एक साल पहले मिले थे, जब इबुका नेवी में लेफ्टिनेंट की सर्विस पर थे। एकियो और इबुका ने साथ में वर्कशॉप में काम करना चाहा। उनकी नई कंपनी एस्टेब्लिश हुई, उसका नाम था सोनी। पुराने रेडियोस को रिपेयर करके उनका वर्कशॉप आगे बढ़ रहा था और उनकी अच्छी खासी कमाई भी हो रही थी। उन्होंने नोटिस किया कि लोगों को चावल उबालने में मुश्किल हो रही थी। उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक इलेक्ट्रिक राइस कुकर मैन्युफैक्चर करेंगे अपनी वर्कशॉप में। टेक्निकली ये सोनी का फर्स्ट प्रोडक्ट था। एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोड को वुडन के बेस पर लगाकर एक टीन का शेप दिया गया, बट उसका रिजल्ट मनचाहा नहीं आया, क्योंकि कभी वो ज़्यादा उबले हुए या कभी कम उबले हुए चावल बनाता था। सोनी का सबसे फर्स्ट प्रोडक्ट फेल हुआ। सोनी का नेक्स्ट प्रोडक्ट था इलेक्ट्रिक कुशन, जो बेडशीट्स को गर्म रखने का काम करता था, बट उसकी वजह से सिर्फ कंप्लेंट्स ही आ रही थी। सोनी का नेक्स्ट प्रोडक्ट भी सोनी को एक हाँ बोल दिया। इबुका की कंपनी पहले से ही टेप और टेप रिकॉर्डर डेवलप कर रही थी बिना किसी के हेल्प और एडवाइस के। ये देखकर वेस्टर्न इलेक्ट्रिक इम्प्रेस हुई और उन्होंने इबुका की कंपनी के साथ टाई अप करना चाहा। अब सवाल था कि ये दोनों कंपनी साथ में मिलकर कौन सा वो रिवॉल्यूशनरी प्रोडक्ट बनाने वाली थी, और वो था ट्रांजिस्टर रेडियो। स्टार्टिंग में सबको यही लग रहा था कि अमेरिका की इतनी बड़ी कंपनीज ये रिवॉल्यूशनरी प्रोडक्ट नहीं बना सकी तो ये छोटी कंपनीज क्या बनाएगी, सबको वो नामुमकिन लग रहा था। दूसरी तरफ एक बड़ी टीम ट्रांजिस्टर टास्क फोर्स फॉर्म हुई, जिसमें कैपेबल इंजीनियर्स, फिजिसिस्ट, केमिस्ट शामिल थे। इबुका के पीछे इतनी बड़ी टीम थी और सबका एक ही गोल था कि वो रिवॉल्यूशनरी प्रोडक्ट बनाना। कंपनी का फ्यूचर उसी लो पावर आउटपुट ट्रांजिस्टर पे टिका था। कई सालों की रिसर्च के बाद टीम ने डिस्कवर किया कि वो लो पावर आउटपुट ट्रांजिस्टर में माइक्रोस्कोपिक फॉस्फोरस इंजेक्ट किया तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो हो सकते हैं। वही टाइम था जब रिवॉल्यूशनरी प्रोडक्ट बनने की शुरुआत हुई। जो प्रोडक्ट बना उसका नाम था TR-55। उसी वक्त अमेरिका ने अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया जो था TR-1। 1954 में वो एक लौता पोर्टेबल रेडियो ट्रांजिस्टर था। पुराने ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत सारे अमेरिकन प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। इबुका एंड एकियो दोनों को फाउंडर अमेरिका गए अपने TR-55 के साथ। नई टेक्नोलॉजी देखकर अमेरिका के टेकीज ने उसे अपना लिया, पर एक प्रॉब्लम थी, उन्हें कंपनी का जैपनीज नेम तुत्सुकु स्पेल नहीं करते आता था, इसलिए उन्हें कंपनी का नाम तुत्सुकु से सोनी कर दिया। सो का मतलब साउंड, एनी एक स्लैंग वर्ड का पार्ट है। सोनी अब रेडी था वर्ल्ड मार्केट में जाने के लिए, बट सोनी तभी अपने प्रोडक्ट बेच सकता था अगर वो अमेरिका ब्रांड नेम के अंडर बेचे, इसलिए TR-55 जापान में ही लॉन्च हुआ। सोनी वापस अमेरिकन मार्केट में अपना नया प्रोडक्ट लेकर आया जो था TR-63, जो उस टाइम का सबसे एडवांस रेडियो ट्रांजिस्टर था एंड सबसे नई टेक्नोलॉजी उसमें थी। TR-63 के ऑर्डर्स की मानो बरसात हो रही थी। अमेरिका में सबका वो मनपसंद डिवाइस बन गया था, स्पेशली टीनेजर्स में। सोनी अब मार्केट में आ चुका था एंड टॉप पर जाने के लिए तैयार था। किसी को आइडिया नहीं था सोनी इतनी सक्सेसफुल कंपनी बन जाएगी। सोनी की ये सिर्फ शुरुआत थी, आगे के चैलेंजेस को फेस करने के लिए वो बिल्कुल तैयार थी। सोनी की कहानी से हम ये सीख सकते हैं कि हमारे लाइफ में कितने भी प्रॉब्लम्स आए, हमें उन्हें फेस करना चाहिए और कभी गिव अप नहीं करना चाहिए। अगर आपको यह हिंदी डॉक्यूमेंट्री अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।